हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। इससे पहले की सारी क्लासेस में मैंने आपको जितने भी मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटी मोटी नॉलेज लेनी है हमें हॉर्मोन्स के बारे में, और थोड़ी सी नॉलेज हमें अपनी बॉडी के बारे में लेनी है कि आखिरकार हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है। तो जरा टॉपिक लिखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जीवों में समन्वय, जीवों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक करके लिखवा रहा हूं बच्चों, सब कुछ आप लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। वह तंत्र जो तंत्रिकाओं से बना है, वह तंत्र जो तंत्रिकाओं से बना है, वह तंत्र जो तंत्रिकाओं से बना है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं, आज शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, चलिए बच्चों, मैंने अभी एक बात लिखवाई कि बहुत सारे नर्व से मिलके बनने वाले सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे आज तो हमारे पास जगह ज्यादा है थोड़ी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चों, हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र, मेन दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं
परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है, किन किन से मिलकर बना होता है? ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक वॉलेंट्री, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, हिंदी में इसको ऑटोनॉमी को हिंदी में कहते हैं स्वतः तंत्रिका तंत्र, और इसको वॉलेंट्री को कहते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज मैं आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें से आज सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में मैं हम लोग जानना शुरू करेंगे एक छोटे से कंडीशन से। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक एक करके इन सब सारे टॉपिक्स को कवर करना शुरू करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लूंगा, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लूंगा। जल्दी उतारी, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब फटाफट पहले मैं सबके बारे में समझा दूं, ठीक है, देख लो बच्चों। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब क्या? जो कई सारे नर्व से मिलके बना हो, जिसकी वजह से आपका एक 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 बॉडी पार्ट किसी दूसरी बॉडी पार्ट की वजह से कंट्रोल हो रहा हो। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ आपको, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी बोल रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन अपने आप काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उन सारी चीजों की कई बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे वो मेरे ब्रेन को याद है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब क्या भाई, जैसे मेरे को यहाँ पे हाथ हिलाना है, मुझे इसे समझाना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है, मुझे कुछ लिखना है, तो ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन लिख कैसे रहा हूँ? हाथ से। तो यानी हमारे बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन है, तभी वो प्रॉपर तरीके से लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन से हम सारे सूझबूझ के सारे काम करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से भी सूझबूझ के काम करते हैं, लेकिन वो ऐसे काम होते हैं जो सडनली हो जाते हैं, जिसको करने के लिए हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। जैसे अगर आपके सामने गाड़ी आ जाए अचानक से आपके सामने गाड़ी बड़ी स्पीड में, और लेकिन आके वो रोक दे, आपको लगे ना ले, तो क्या होगा? आप अचानक, फिर भी हो सकता है गिर जाओ, या हो सकता है कोई बच्चा है जैसे डर के मारे रोने लग गया, या बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो ये सारे स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे पानी पियोगे तो अपने आप ये गले की जो हमारी पाइप्स हैं अपने आप चलना शुरू कर देती हैं और पानी को अंदर तक ले जाती हैं। खाना खाओगे अपने आप, आपके बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो आपको बिना कोई फील हुए अपने आप चल रहे हैं। ठीक है, फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों में सांस लेना, खाने का पेट पेट के अंदर खाने का पचना, या पैनक्रियाज के अंदर में से सारी डाइजेशन होना, तो ये सारी चीजें अपने आप होती हैं। और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री कौन सी होती है? ऐच्छिक, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर के बारे में क्या होगा? सोचना पड़ेगा, सोच के लिखना पड़ेगा। कोई मैथ का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपको सोचना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को कहा जाता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जो कि किसमें आते हैं? पेरिफेरल में। ठीक है, चलिए, तो ये नोट तो कर ही लिया था। अब मैं सबसे पहले आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करवाने जा रहा हूं, जिसका पहला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव आर्क।
पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, नहीं रिफ्लेक्सिव आर्क से पहले मैं आपको ये करवाता हूं। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम जो है हमारा तंत्रिका तंत्र, इसकी यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है, तो बच्चों याद रखना नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है? न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या होती है? न्यूरॉन्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे नर्वस सिस्टम की कोई इकाई पूछे, यूनिट पूछे, तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका दिखाई कैसी देती है? फटाफट नोट कर लो। ठीक है, यहां तक तो बात पता चल गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होता है, तो न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब ये देखो भाई न्यूरॉन्स कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, न्यूरॉन्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ठीक है, पहला सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, दूसरा 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 रिले न्यूरॉन, और तीसरा भाई मोटर न्यूरॉन। हिंदी में इसे कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अगला है प्रसारण, प्रसारण तंत्रिका कोशिका, और इसका है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। बच्चों ये ध्यान रखना पहले कि कितने तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। बच्चों तीन तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा रिले न्यूरॉन, तीसरा मोटर न्यूरॉन। हिंदी में संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रसारण तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अब इनका काम क्या होता है, अब इनका काम क्या होता है, तो एक एक करके मैं इनका काम लिख रहा हूं, काम भी देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन का काम। तो बच्चों सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है, काम होता है कि भाई जो भी मैसेज होता है संवेद, ठीक है, जो भी मैसेज होता है, अब ये मैसेज किस तरह का होगा मैं बताऊंगा आपको, इन सारे मैसेज को किससे जोड़ना भाई, किससे जोड़ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ना। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मैसेज का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। हिंदी में मैसेज को कहते हैं संवेदना, क्या कहते हैं? संवेदना। अच्छा, रिले न्यूरॉन का क्या काम होता है भाई? रिले न्यूरॉन का काम होता है, रिले न्यूरॉन का काम होता है सेंट्रल नर्वस से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जोड़ना। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, है ना, दूसरी तंत्रिका कोशिका को जोड़ना, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से केंद्रीय 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 तंत्रिका तंत्र से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अनदर न्यूरॉन से जोड़ना। ठीक है, कनेक्ट विद अनदर न्यूरॉन। ठीक है, अनदर न्यूरॉन, ये सब लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। और थर्ड क्या है भाई? थर्ड मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि भाई मोटर न्यूरॉन का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मसल सेल से जोड़ना। किससे? मसल्स, मसल्स सेल से जोड़ना। ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को किससे जोड़ना? पेशीय कोशिकाओं से जोड़ना। किससे जोड़ना? पेशीय कोशिकाओं से जोड़ना।
तो फटाफट इसे नोट कर लो, ठीक है, और कहोगे तो इसके बारे में लिखवा भी देता हूँ फटाफट, जल्दी से लिख लो, एक बार नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, और अगर लिखना चाहते हो तो लगे हाथ लिख भी लो, लगे हाथ लिख भी लो, लिखो। पहले सेंसरी न्यूरॉन के बारे में लिखना भाई, नोट करने के बाद। लिखेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्सेस, सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंसरी सेल्स, फ्रॉम द सेंसरी सेल्स, फ्रॉम द सेंसरी सेल्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी वाले, हिंदी वाले लिखेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिका में। आवेगों को संवेदी कोशिकाओं, आवेगों को संवेदी कोशिकाओं, आवेगों को संवेदी कोशिकाओं से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर, से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर प्रेषित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर प्रेषित करता है। अगला रिले न्यूरॉन, अगला रिले न्यूरॉन लिखो। रिले न्यूरॉन्स अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिले न्यूरॉन अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिले न्यूरॉन अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। हिंदी वाले प्रसारण तंत्रिका कोशिका, प्रसारण तंत्रिका कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है जहां वह दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, जहां वह दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, जहां वह दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच कड़ी का काम करता है। कड़ी, कड़ी मत लिख देना, कहीं कड़ी लिख दो, पकौड़े वकोड़े खिला दो वहां पे, ठीक है। कड़ी, कड़ी मतलब एक बॉन्ड का, लिंक का। अगला आता है मोटर न्यूरॉन, लिखो लिखो। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट, मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट, मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्सिस फ्रॉम द, इंपल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंपल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल, टुवर्ड्स द मसल सेल, टुवर्ड्स द मसल सेल। नेक्स्ट प्रेरक तंत्रिका कोशिका, हिंदी वाले प्रेरक तंत्रिका कोशिका लिखो। आवेगों को, आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशी कोशिकाओं की ओर प्रेषित करता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशी कोशिकाओं की ओर प्रेषित करता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने तीनों के बारे में लिखवा दिया, अब आखिरकार ये न्यूरॉन दिखता कैसा है तो ये भी पता कर लेते हैं। आओ, आखिरकार ये न्यूरॉन दिखता कैसा है ये भी पता कर लेते हैं। लीजिए, आप अपना हाथ देखो, ये रहा हाथ, ऐसे बस इस हाथ का फिगर याद कर लेना, आपको ऐसा ही दिखता है न्यूरॉन। तो ये देखो बच्चों, न्यूरॉन कुछ इस तरीके का दिखता है,
ये लो। तो बच्चों इसी का नाम है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। अब बच्चों ये किन किन भागों से मिलके बना है, जरा ध्यान देना, मैं अभी सारी बातें यहां पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये जो है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, हिंदी में द्रुमिकाएं, इसको बोला जाता है सेल बॉडी, कोशिकाएं। अंदर वाले लिक्विड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसे बोला जाता है एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। इसे बोला जाता है क्या, नर्व एंड, नर्व एंडिंग। तंत्रिका छोर, तंत्रिका छोर, ठीक है। और ये आपका पता ही है भाई, न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। तो बच्चों इस तरीके से इसको सारे नाम दिए गए। अब ये बॉडी में होते कैसे, मैं आपको बता दूं। देखो ये एक लोता नहीं होता आपकी बॉडी में, ऐसे हजारों करोड़ों पता नहीं कितने होते हैं आपकी बॉडी में, और बहुत ही छोटे होते हैं ये, बहुत ही छोटे। और जैसे क्या है कि भाई ये इतने छोटे, जैसे मान लो आपको यहाँ पे कुछ, मान लीजिए आपने ये कोई गर्म रॉड है ये टच कर ली, टच करते ही आपको गर्म लगेगा तो आप सोचोगे थोड़ी कि हाँ यार गर्म लग रहा है, चल ठीक है अभी पकड़ के रखते हैं, मजा आ रहा है, ऐसा। तो आप तुरंत क्या करोगे, हटा दोगे। कैसे, क्योंकि बच्चों ये बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, और कहाँ तक कनेक्ट होते हैं, हमारे ब्रेन तक, हमारे हर बॉडी पार्ट में है ये। और कहाँ तक कनेक्ट है, हमारे हमारे बच्चों ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, हर जगह ये कनेक्ट है। अब क्या करना है, ये काम कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए ये आपका हैंड है, हाथ है, आपके हाथ में ये सारे ऐसे कनेक्ट हैं, ये सारे के सारे ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसे कनेक्ट, फिर ये ऐसे, 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 ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ठीक है। और मान लो ये आपका ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, जो भी। तो देख रहे हो आप, ऐसे हजारों एक दूसरे से ये, यही चीज क्या है, कनेक्ट है बच्चों, यही चीज क्या है बच्चों, कनेक्ट है। हजारों की संख्या में ऐसे, लाखों की संख्या में ऐसे, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब मान लो हाथ को कोई गर्म चीज, हॉट चीज भाई, मतलब उसने छू लिया, अब छूते ही क्या होगा, उसके हाथ में सेंस आएगा, और सेंस कौन लेकर आएगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है वो क्या लेकर आता है, सेंस लेकर आता है, संवेदना लेकर आता है, कि भाई हमने किसी गर्म चीज को छू लिया। अब ये गर्म चीज क्या होगी, ये जो सेंस है केमिकल रिएक्शन बनाएगी, क्या बनाएगी बच्चों, केमिकल रिएक्शन, सॉरी 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 गलत बोल गया, ये बनाएगी एक इंपल्स, आवेग बनाएगी, एक इंपल्स बनाएगी, आवेग बनाएगी, ठीक है। और उस आवेग को बड़ी जल्दी इसके अंदर ट्रांसफर कर देगी, किसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर, और सेल बॉडी से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जो न्यूक्लियस होगा, इन सारे मैसेजेस को कलेक्ट करके भाई किसमें, साइटोप्लाज्म में डाल देगा, और वो एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग में आ जाएंगे, और नर्व एंडिंग से फिर दूसरे नर्व में चले जाएंगे इस तरीके से। फिर ये भी यही सेम काम करेगा, फिर इसमें चले जाएंगे, और फिर इस तरीके से ब्रेन में पहुंच जाएगा, और फिर ब्रेन वापस आंसर देगा कि भाई एक काम कर, तो ये वापस क्या बोलेगा कि हाथ हटा ले, फिर ये मैसेज वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस, और हम अपना हाथ इस गर्म चीज से क्या कर लेंगे, हाथ हटा लेंगे। और बच्चों यही चीज ऐसे
क्या होती रहती है, एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। यानी जब जब हम लोग किसी गर्म चीज को, ठंडी चीज को, या किसी सुई को चुबाएंगे, या कोई पैर में सुई चुभ जाए, या कील चुभ जाए, या चोट लग जाए अचानक से, ठीक है, या आपने ऐसे हाथ रखा हुआ, आपके दोस्त ने हल्का सा जानबूझ के ऐसे मार दिया, या जैसे स्कूल में बच्चे हरकतें करते हैं, सुई चुभा देते हैं इस तरीके से, तो इन सब के केस में, इन सब के केस में प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये सारी की सारी कंडीशंस ये समझनी है कि यहां से हमने सेंस लिया, यहां से हमारे उसमें साइटोप्लाज्म में कौन आ गया, सेंस आ गया इंपल्स के रूप में, और यहां से ये एक्सोन के थ्रू आके नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व में, मतलब ठीक यहां पे कोई दूसरा होगा, ठीक यहां पे कोई दूसरा होगा, उससे ये अगले में ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, अब बात आती है कि ये भाई इसका नर्व एंडिंग और इस वाले का डेंड्राइट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, याद रखना, हमेशा दो किसका, हमेशा दो न्यूरॉन का कनेक्शन किस तरीके से होता है, पहले वाले का नर्व एंड होता है, नर्व एंडिंग होता है, और दूसरे वाले का डेंड्राइट, ये हमेशा आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब कैसे जुड़े हुए रहते हैं, तो ये भी समझो, नर्व एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे कटोरे की तरह, ये है नर्व एंडिंग, ये है नर्व एंडिंग, और जो डेंड्राइड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। आप देख भी रहे होंगे कि डेंड्राइड सारे के सारे कैसे गोल 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 गोल, यहां पे ऐसे ऐसे गोल गोल है, ठीक है, जबकि इसका कैसा है, इसका भाई कटोरे जैसा बना हुआ है। जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग है वो आपका ऐसे कटोरे टाइप का बना हुआ है, और इसी के अंदर सॉकेट की तरह, जो सॉकेट की तरह ऐसे ऐसे करके सॉकेट की तरह इसमें लगा हुआ है कौन, डेंड्राइट। लेकिन एक बात बता देता हूं बच्चों, देखो क्या मैंने इसको इसमें टच किया, नहीं, ये देख रहे हो बीच में गैप है, बीच में गैप क्या है, गैप है। देखो मैं इसको ना और अच्छे से मार्क करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ये रेड कलर से समझ लेना कि इनके बीच में गैप है, इनके बीच में क्या है, ये गैप है, ठीक है बच्चों। अब ये गैप होना भाई क्या कहलाता है, क्या बताता है ये गैप होना, क्यों जरूरी है, तो बच्चों हाँ जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों जब यहां से सेंस आता है तो वो बहुत ही स्पीड में होता है, हद से ज्यादा स्पीड में होता है, जिसे अगले वाले में ट्रांसफर करने से हो सकता है सेल डैमेज हो जाए। मतलब यहां से सेंस इतनी स्पीड में आता है कि अगर ये टच रहेगा एक दूसरे में तो हो सकता है किसी ना किसी एक सेल को डैमेज कर सकता है, तो इस वजह से इनके बीच में थोड़ा सा क्या रहता है, गैप। अब ये गैप रहता है तो जैसे ही मैसेज यहां पर पहुंचता है तो क्या करने लगता है, केमिकल रिएक्शन करता है, क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया करता है, और केमिकल रिएक्शन के द्वारा नर्व एंड से मैसेज उछल कर किसमें आ जाता है बच्चों, किसमें उछल के आ जाता है, वो आ जाता है डेंड्राइट में, किसमें आ जाता है, डेंड्राइट में, समझ में आ रही बात। तो अगर आपसे कोई पूछे ठीक है कि रिएक्शन जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कैसे हो जाता है, तो बच्चों वो ट्रांसफर हो जाता है एक केमिकल रिएक्शन के वजह से, इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होता है, क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होने की वजह से मैसेज नर्व एंडिंग से किसमें ट्रांसफर हो जाता है, डेंड्राइट में, और इसी तरीके से ये सारे के सारे ऐसे करते हैं, नर्व से डेंड्राइट में इस तरीके से। केमिकल रिएक्शन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होकर ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बीच के गैप को, नर्व एंड और डेंड्राइट के बीच के गैप को, बीच के गैप को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है सिनेप्से। क्या है स्पेलिंग इसकी, मैं आपको बता दूं एक बार, हाँ, सिनेप्से, SYNAPSE, सिनेप्से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेंड्राइड और नर्व एंड के बीच के गैप को क्या कहते हैं, तो आंसर है सिनेप्से। और मैसेज ट्रांसफर कैसे हो जाता है, तो मैसेज ट्रांसफर केमिकल रिएक्शन की वजह से होने वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो जरा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे।
ये नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। चलिए वीडियो पॉज कर लिया होगा। हाँ जी लिखो बच्चों जरा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ब्रेन कराऊंगा, ठीक है? ब्रेन के साथ साथ कोशिश रहेगी हार्मोन भी करा दूं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ये एक डेढ़ दो क्लास का मैक्सिमम रह गया बच्चों ये, ठीक है? दो क्लास के बाद ये सब ख़त्म, फिर हम शुरू करेंगे इसके बाद फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। चले बच्चों लिखेंगे जरा, लिखो लिखो लिखो। लिखिए लिखिए द मैसेज विच नहीं नहीं या सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी सॉरी ऐसे लिखो, यहां से लिखो। अ न्यूरॉन हैज थ्री कंपोनेंट्स सेल बॉडी डेंड्राइट एंड एक्सॉन। लिखेंगे द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल विच कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स। The shorter fiber on the body of a neuron are called dendrites. The longest fiber on the cell body of a neuron is called axon. The axon has
path to the nerve ending, path to the nerve ending which impulse message in the form of electrical impulse which is picked up by dendrites. And then the message which goes through the axon reach at nerve ending and by the chemical reaction it goes in another dendrites of nerve cell. It goes in another dendrites of next nerve cell. The gap between nerve ending and dendrites, is called synapse. ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे। हिंदी वाले लिखिए, तंत्रिका कोशिका के तीन मुख्य अंग होते हैं, कोशिकाएं, द्रुमिकाएं और तंत्रिकाक्ष। कोशिकाएं, द्रुमिकाएं और तंत्रिकाक्ष लिखो। तंत्रिका कोशिका की कोशिकाएं प्राणी कोशिका के समान होती है, यानी जीव कोशिका के समान होती है, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों होते हैं। इसमें अनेक महीन लंबे रेशे होते हैं। जो तंत्रिका तंतु कहलाते हैं। तंत्रिका कोशिका के शरीर पर द्रुमिकाएं पाई जाती हैं और एक लंबा सा तंतु भी पाया जाता है
और एक लंबा सा तंतु भी पाया जाता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। लिखिए आगे, लिखेंगे अगली लाइन में लिख लो। इस तंत्रिका में द्रुमिकाओं द्वारा सूचना ग्रहण की जाती है। द्रुमिकाओं द्वारा सूचना ग्रहण की जाती है जो विद्युत आवेगों द्वारा कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष की तरफ बढ़ती है, तंत्रिकाक्ष की तरफ बढ़ती है। और तंत्रिका छोर तक पहुंचकर, तंत्रिका छोर तक पहुंचकर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अगले तंत्रिका कोशिका में चली जाती है, अगले कोशिका में तंत्रिका कोशिका में चली जाती है। ठीक है, तंत्रिका छोर और द्रुमिका के बीच के रिक्त स्थान को तंत्रिका छोर और द्रुमिका के बीच के रिक्त स्थान को स्नेप्से हिंदी में अंतग्रंथन कहते हैं, अंतग्रंथन कहते हैं। ठीक है जी, अंतग्रंथन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने बच्चों आपका फेरी फेरल वाला खत्म कर दिया है ये। ठीक है, फेरी फेरल का मतलब क्या कि आपका मैंने नर्व एंडिंग माने यानी नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा खत्म कर दिया। अब दूसरा हिस्सा है इसका रिफ्लेक्सिव आर्क, जिसमें आपको सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन ये पढ़ाऊंगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये दो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होंगे और एक क्लास में और रह जाएगा, तो उसमें बच्चों में ये पूरा का पूरा आपके लिए खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।